राज्य उत्तर प्रदेश के जनपद अंबेडकर नगर के वाकबरपुर ब्लॉक के बेवाना गांव में 5 घर ऐसे हैं जो प्लान किए हुए हैं। कहीं राशन कार्ड लावा तो लड़कियन नाव लिख जाए, नहीं तो लड़कियन भगाई देवे। तो हम गरीब मनई है, कहाँ राशन कार्ड पाई और कैसे हमारे बच्चे पढ़े लिखे। वहाँ के बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे थे। मैं उन बच्चों को माह जुलाई 2014 में नामिनेशन करवाई और उनको शिक्षा दिला पा रही हूँ। मैं गायत्री, ये मेरा समुदाय। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे और राशन बगैर राशन कार्ड का एडमिशन नहीं हो रहा था। आपने वीडियो बनाया उस गांव में और पड़ोस में बात की, तो फिर इसके वजह से बगैर राशन कार्ड के एडमिशन हुआ और बच्चे पढ़ रहे हैं। सर जी नाम लिखो। अच्छा ठीक है। हाँ हमारे बच्चे के क्या नाम है? दीपू। तो पिछले दाही जब आपके स्कूल में का आपकी नाम लिखी जाए तो आप पढ़बे? हाँ। कौन स्कूल में पढ़े चाहते हैं? करमम। आप दीपू के बारे में क्या क्या परेशानी थी कुछ बताएं? दीपू के बारे में यही परेशानी थी कि बच्चा वहाँ प्राइमरी पाठशाला स्कूल में आना हो गया था नाम लिखवाने के लिए। उसको दिक्कत ये थी कि उसका बिना राशन कार्ड के उसका नाम नहीं लिखा जा रहा था, जो कि हमारे यहाँ बच्चा जब आया तो उसको जुलाई 17, 2014 से नाम लिखा गया और उस बच्चे को जो है शिक्षा दिया जा रहा है। दीपू नामक लड़का है जिसे मैं शिक्षा में जोड़ पाई और उनके साथ और भी 3 बच्चे थे जिसे मैं शिक्षा के साथ साथ उसे भी जोड़ पाई। कैमे हाउ कौन चीज कैसे पढ़ा थू कथा में? उर्दू में। मदरसा है कि स्कूल है? मदरसा। कौन स्कूल में जाते? करमा में। पढ़ा थू? हाँ। कई में हो बेटा? 3 में। पढ़ाई अच्छी होत है? हाँ। जब स्कूल ना जाते तब क्या करा थू? खेली है। तो हम लोग नहीं पढ़ पाए तो वो लोग आगे आने वाली पीढ़ी बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत खुशी हुई। हम सोचते हैं गरीब परिवार के लोग भी इस स्कूल में आएं और पढ़ें और शिक्षा से वंचित ना रहें।